नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। झारखंड की राजधानी रांची में नर्सों का जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। राजभवन के सामने ये नर्सें बैठ गईं। झारखंड राज्य NRHM अनुबंध संघ के बैनर तले ये सभी नर्सें वहां पर बैठी थीं और ये मांग कर रही हैं कि उनकी बहाली फिर से विज्ञापन निकाल करके की जाए और उनको परमानेंट किया जाए। आप सुनिए कि नर्सों की क्या कुछ मांगे हैं। सरकार कर रहा है, इस पर कहना यही है कि सरकार शिथिल है। सरकार की सोच ये है कि एक मजदूर ठेका के रूप में हमें कार्य करवाया जाए, हमें ना एक समान वेतन दिया जाता है, वेतन के नाम पे मात्र वेतन भोगी जो एक मजदूर को मिलता है उससे भी अधम मजदूरी हमें दी जाती है। मात्र पूरे महीने का हमें 12 से 13 हज़ार का भुगतान किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही किसी भी दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोगों ने जाना ही होगा। समान कार्य का समान वेतन का चारों तरफ हो चुका है, लेकिन सरकार उस पर आँख पे पट्टी बांधे हुए हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है उस फैसले से, उन्होंने उस फैसले को नकार दिया। आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और दूसरी बात, जब हमारी नियमावली, नियुक्ति नियमावली 6 दिसंबर को कैबिनेट से पारित हो गई, तो फिर कैसी क्या सरकार की ढील मिल नीति है जो वो 6 महीने से बिल्कुल सोई पड़ी है। कभी हमारा रोस्टर क्लियर नहीं हो रहा है, तो कभी हमारी 10% स्वर्ण का अक्षर आ रहा है, ये क्लियर हो रहा है तो वो रुक रहा है, वो क्लियर हो रहा है तो ये क्लियर। इस तरह की टालमटोल नीति में हम दिन रात फंसते जा रहे हैं। फिर आप जान रहे हैं कि अगले चुनाव की तिथि आ रही है, उसके बाद फिर आचार संहिता लग जाएगा। एक आचार संहिता से हम लोग निकले, दूसरे आचार संहिता में फंसने को हम लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और हम लोग को 1 माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया विज्ञापन निकालते हुए, हमारी नियुक्ति प्रक्रिया लेते हुए हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। और इसके लिए हम अपने कार्य को जब 100% दे रहे हैं तो हम अपने अधिकारों को लेने से पीछे क्यों हट रहे हैं। हम जब से कार्य में बहाल हुए NRHM के तहत, तब से आप जानते हैं, सब मीडिया कर्मी हैं तो जानते हैं कि NRHM के 3 मुख्य गोल हैं। मैं बार बार कहना चाहूंगी, इस बात पे बार बार फोकस देना चाहूंगी कि शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृ मृत्यु दर को घटाना और जनसंख्या वृद्धि दर को रोकना। आप सुदूर क्षेत्रों में आप क्या देखिए, 2007 के बाद से आज 2019 का आंकड़ा अगर लगाया जाए तो तमाम ट्रॉफियां हमारे सरकार के पीछे पड़ी हुई हैं। तमाम झारखंड को, यहाँ तक कि यहाँ के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इनको सर्वप्रथम राज्य घोषित किया गया है झारखंड को, तो किनके बदौलत? हम NM जो सुदूर जमीन क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, हम कार्यकर्ताओं के बदौलत। अगर हमारी ही मांगों को सरकार न सुने, हमारी ही लाचारता को वो ना देखें, हमारे ही बच्चों का भरण पोषण हम ना कर सकें, तो हमारी नौकरी किस काम की है? तो इसलिए मेरा परिचय है विनीता कुमारी, राज्य संयुक्त सचिव सह जिला अध्यक्ष दुमका। तो आपने सुन लिया, ये नर्सें साफ साफ तौर पर कह रही हैं कि अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी और उसके बाद हमारे काम में लेट हुआ, हमारी बहाली में लेट की गई, वो एक और आचार संहिता नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं। दरअसल झारखंड में इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा का चुनाव होना है और उसके बाद उससे पहले भी आचार संहिता लग जाएगी, तो उनको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार एक बार फिर से आचार संहिता का मामला बताते हुए उनके काम, जो कि बहाली का काम है, उसमें देरी कर ले। तो उनकी ये साफ तौर पर मांगे हैं कि उनकी बहाली फिर से एक बार विज्ञापन निकाल करके परमानेंट तौर पर की जाए। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रखना है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएँ। धन्यवाद।